हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सबरोज किचन। रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना वड़ा, जो कि इफ्तार के टाइम बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ मैंने साबूदाना भिगो के रख दिया। आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा पानी डाल के भिगोया है और इसे कम से कम 6-7 घंटे चाहिए होंगे। तो शाम को बनाना है तो सुबह भिगो देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, साबूदाने जो है एकदम खिले खिले से हो गए हैं और बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं हैं, और ये अच्छे से भीग भी गए। ये देखिए, साथ में यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू जिन्हें बॉईल करके मैश कर लिया है। ये मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये सिंग दाने मूंगफली के दाने जिनको मैंने रोस्ट करके छोटे टुकड़ों में कूट लिया है, और ये लिया है मैंने फ्रेश कोरिएंडर हरा धनिया। यहाँ मैंने एक बड़े बाउल में साबूदाना डाल लिया है। इसमें हम डाल लेंगे आलू, साथ में हम इसमें मूंगफली के दाने डाल लेंगे, और ये हरा धनिया। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, आप चाहें तो ग्रीन मिर्ची भी डाल सकते हैं। और ये डाल रही हूँ मैं गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच भर के डाला है मैंने। अब इन सब चीज़ों को हमें हाथों से मसल मसल के मिक्स करते जाना है। तो वड़ा बनाने का बैटर मैंने रेडी कर लिया, और हाथों को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसको शेप दे देंगे। आप जैसा चाहे वैसा शेप इसको दे सकते हैं। आप एक पैटिस का शेप दे सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके का ओवल शेप या सिलेंड्रिकल शेप दे सकते हैं, और आप चाहें तो इसे गोल बॉल्स की तरह भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पैटिस की शेप में इसको बनाकर रेडी कर रही हूँ इस तरीके से, और ये बड़ी आसानी से बाइंड हो जाते हैं। तो सारे वड़े जो है हम इस तरीके से बनाकर पहले रेडी कर लेंगे, और साइड में ऑयल जो है वो गरम करने रख देंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं डालते हैं, मतलब कि कोई मैदा या बेसन नहीं डालते हैं। तो एक चीज़ का हमें खास ध्यान रखना होगा कि तेल जो है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए। अगर तेल गर्म नहीं होगा तो जैसे ही आप वड़ा डालेंगे वो अलग अलग हो जाएगा सारा कुछ, और अगर अलग नहीं हुआ तो एकदम से नरम वड़ा बन के रेडी होगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। इसको डालते बराबर ही फ्राई होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ऑयल को आप पहले हाई फ्लेम पर गरम कर लीजिए, और फिर आप वड़े डाल के आप चाहें तो इसे मीडियम फ्लेम पर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक एक करके वड़ा डालती जाऊँगी, जितने एक बार में आ जाए उतने डाल दीजिए, और वड़े डालने के बाद मैं गैस को मीडियम कर दूँगी। एकदम से इसको डालते बराबर आप मत हिलाइएगा, 1 मिनट आप इसे ऐसे ही फ्राई होने दीजिएगा, और उसके बाद एक छोटे चम्मच की हेल्प से आप वड़े को है जो अलग अलग कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपस में चिपकेंगे, तो आपको धीरे धीरे से इनको अलग कर लेना है। चिपकेंगे मतलब एकदम से नहीं चिपक जाएंगे, थोड़े थोड़े इनके कॉर्नर्स जो है वो एक दूसरे के साथ लग जाएंगे। इस तरीके से आप इनको पलट पलट के इनको अलग करते जाइए, और हम दूसरी साइड से भी इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, इस तरीके का टेक्सचर चाहिए हमें। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं ये, तो
तो अब हम इन्हें एक अलग से प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के जो सारे वड़े हैं वो उसी तरह हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे तेल आपको गर्म रखना है, तेल को ठंडा होने नहीं देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, साबूदाना वड़ा जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम नरम बनकर रेडी होते हैं। आप भी इसे इफ्तारी के वक्त ज़रूर बनाइए और अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।